कोरोना काल में मेरी गंगा यात्रा कैसे पूरा साल गुजर गया। कोरोना आज जाएगा कल जाएगा, कम से कम 6 महीना तो लगेंगे। कोरोना सच में जाएगा या यूं ही हमारे दिल दिमाग में बैठ दहशत की दीवार बनाते जाएगा। बस ऐसा ही सोचते विचारते कभी फोन से बातें करते, दूरियां निभाते, समय समय पर कंप्यूटर से चिपक ऑनलाइन प्रोग्राम करते दिन बिताए जा रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फरवरी 2020 की, जिस समय में रांची अपने मायके खुशी खुशी 15 दिन बिता कर आई थी। मेरी छोटी बहन अमेरिका से पतिदेव संग भारत सैर को आई थी। फरवरी महीने के अंत में ही गुजरात, राजस्थान वगैरह स्थलों में उसे घूमना था, अतः मैं भी गुजरात जल्द आ गई। बस वो फरवरी 2020 और फिर आया ये फरवरी 2021। कोरोना ने लोगों के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। सब्जी, कपड़े, फल फूल से लेकर हर एक चीज में शंका ने जन्म ले लिया था। घर में कुछ आया नहीं कि इसके पहले सैनिटाइजेशन एक कंपलसरी टेस्ट सा हो गया था। ये सिर्फ मेरी या मेरे घर की कहानी तो थी नहीं, हर घर, हर सांस, हर धड़कन में यही कहानी थी। दुख तो उस समय होता था जब चाहकर भी अपनों के पास हम जा नहीं सकते थे। हम इंसान नहीं, मानो शंका के पिंजड़े के प्राणी हो गए थे। एक तरफ जहां वन्य प्राणी वन जंगल से निकल कभी कभी शहर को अपना बसेरा समझ नगरी नगरी द्वारे द्वारे मतवाला प्रेमी बन अपना दर्शन करा, सुरक्षा कर्मियों की कार्यगति को तीव्र गतिशील बना रहे थे। प्रकृति में बदले की भावना थी, कारण जो भी हो, किंतु उन दिनों प्रकृति का एक इथलाना, बादलों का श्वेत वस्त्र धारण करना, नदियों की दूधिया उफान में कल कल ध्वनि का सरगम पाठ पढ़ाना, वसुंधरा की हरी साड़ी, आच्छादित रंग बिरंगे फूलों का परिधान प्राणी मात्र को आकर्षित करने में सक्षम था। फेफड़ों में शुद्ध वायु का प्रवाह कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम बना तो रहा था, किंतु निर्जलता की जात पात तो होती नहीं, इसलिए कोरोना भी निर्लज्ज बन बेरोक तो किसी के घर में भी बगैर दस्तक बगैर न्योता के घुसे जा रहा था। इसलिए मानव मात्र प्रकृति के सम्मुख होकर भी उसकी गोद में बैठने से हिचकिचा रहा था। कहीं अपनों से बिछड़ने की घबराहट, कहीं किसी के जिंदा रहने की आशा, कहीं किसी से हमेशा जुदा होने की आशंका। इसी आंख मिचोली मध्य 2020 हर दिन नया सबक देता, धड़कने घटाता बढ़ाता, आखिर प्रसार हो ही गया। ये शायद मेरी जिंदगी का पहला साल था जहां मैंने वडोदरा के बाहर पैर ही नहीं रखा होगा। ना किसी मित्र या संबंधी के यहां गई, ना कोई पार्टी, ना पूजा। बस मन ही मन मैंने ठान लिया था कि मुझे अपने आप को पारितोषिक तो करना ही चाहिए, क्यों ना 10-15 दिनों के लिए प्रकृति की गोद में बेझिझक बैठ जाऊं। वैसे तो ये इच्छा वर्षों से थी, पर इस बार तीव्रता कोरोना के निर्लज्जता के घुटन से हुई होगी। भगवान ने भी मुझे जाने का संकेत दे दिया था। मेरी एक सीनियर सहकर्मी हरिद्वार जा रही थी, वहीं उनके भाई का घर है। उनके भाई वडोदरा में ही थे, कोरोना के कारण यहीं फंस गए थे। मुझे अच्छा साथ मिल रहा था। वे दोनों हवाई यात्रा कर अहमदाबाद से देहरादून जा रहे थे, मैंने भी उनके संग टिकट करा ली। मैंने सोचा मार्च तक वो उड़न छू हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर का महीना था, कोरोना का आतंक थोड़ा कम तो हो ही गया था। जैसे जैसे दिन पास आने लगे, मेरे मन में भी विचार आने लगे। मैं अपने सहकर्मी के यहाँ तो नहीं रुकने वाली थी। सोचा एक से भले दोस्त का साथ मुझे साहित्यिक प्रवृत्ति के लिए भी थोड़ा अकेले रख सकता था।